BTS आर्मीज को BTS से रिलेटेड और उनकी लाइफ से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों की अपडेट्स मिलती रहती हैं, लेकिन हर एक अपडेट हैप्पी न्यूज़ नहीं होती। और उसी तरीके से रिसेंटली एक काफ़ी सैड न्यूज़ हम सभी BTS आर्मीज को सुनने को मिली है, जो कि BTS की ही एक प्रोड्यूसर के बारे में है। लेकिन इस सैड न्यूज़ को सुनने से पहले मैं आपको एक छोटी सी गुड न्यूज़ देना चाहूँगी, और वो ये है कि आप सभी की डिमांड पर हम लेकर आए हैं अपना एक न्यू चैनल जिसका नाम है एडोफैक्ट्स रिएक्शन, जहां पर मैं आपके साथ मिलकर BTS की फनी वीडियोस को देखूंगी और रिएक्ट करूंगी, और आप कमेंट्स में मेरे साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो जैसा कि आर्मीज में आपको बता रही थी कि रिसेंटली BTS से रिलेटेड एक सैड न्यूज हम सभी आर्मीज के सामने आई है, लेकिन चलो ये तो अच्छा है कि इस सैड न्यूज़ में BTS से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं है और पर्सनली BTS के मेंबर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये न्यूज़ है BTS के एक पुराने प्रोड्यूसर के बारे में जिनका नाम है ब्राम आर्मस्कोर, और बताया जा रहा है कि 40 साल की उम्र पे इन्होंने अपनी जान ले ली और अब इस दुनिया में ये नहीं रहे हैं। सुनने में आपको काफ़ी शॉकिंग लगा होगा, लेकिन दिसंबर में अमेरिकन मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि इन्होंने अपनी जान ले ली है, और काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि ये अपने घर यानी सैन फ्रांसिस्को में मिले, जहाँ पर पता चला कि एक्चुअली इनको काफ़ी टाइम से एनएमए हो रहा था। वैसे तो इन्होंने BTS के साथ काफ़ी सारे गानों पर काम किया है और ये बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे। इनफैक्ट BTS का जो बहुत फेमस और प्यारा सॉन्ग है जैसे कि लाउडर देन बॉम्ब्स, वहाँ पर भी इन्होंने RM और J-Hope के साथ काम किया है, और मैप ऑफ द सोल 7 जो एल्बम है BTS की, वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स में BTS के साथ काम किया था, जिसकी वजह से BTS आर्मीज को काफ़ी बुरा लग रहा है ये न्यूज़ सुनकर कि इतना टैलेंटेड इंसान अपनी लाइफ में इतना अकेला था कि उनको खुद की जान लेनी पड़ी। हालांकि वहीं पर कुछ बेवकूफ़ लोग BTS को टारगेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसमें भी BTS की गलती है। उनका कहना है कि दुनिया भर के लोगों को BTS पॉजिटिविटी देते हैं और उनके साथ पॉजिटिव सॉन्ग्स लिखने वाला इंसान ही खुद की जान लेकर दुनिया को छोड़कर चले गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर BTS की कोई भी गलती नहीं है। किसी भी इंसान के साथ काम करने पर BTS उसकी पर्सनल लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाते, और अगर कोई अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड है या फिर अकेला है तो इसमें BTS की गलती आखिर कैसे हुई। ये सब तो बस तरीके हैं हर बात पे BTS को टारगेट और हेट करने के। लेकिन फिलहाल इस समय BTS के सभी मेंबर्स मिलिट्री में हैं, उन सभी ने अपनी वार्म विशेज इनके लिए भेजी हैं ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। तो आर्मीज कमेंट्स में आप भी इनके लिए अपने कमेंट जरूर लिखना, और जाने से पहले न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।